कि तुम कहे कितने सालों से ऐसी नमाज पढ़ते हो। कहने लगे 40 साल से मैं ऐसी नमाज पढ़ता हूँ। कहा कि तुम अगर 40 साल से ऐसी नमाज पढ़ रहे हो तो तुम अपने नबी के दीन पर नहीं उठाए जाओगे। ऐसी नमाज पढ़ने से तुम अपने नबी के दीन पर नहीं उठाए जाओगे। तुम जो है नमाज को सही करो। उन्होंने उनकी नमाज को सही कराया, उनके रुकू सजदे को सही कराया। कहा कि क़याम चाहे मुख्तसर हो, क़िरात चाहे मुख्तसर हो, लेकिन रुकू और सजदा इत्मीनान से। नमाज की ताकीद करना है, नमाज का हुक्म देना है, नमाज के लिए लोगों से कहना है, हर मुसलमान नमाजी बन जाए इसकी कोशिश करना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने हुक्काम के पास सबसे पहले खत लिख करके कहा कि मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ नमाज है। मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ नमाज है। जिस शख्स ने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने सारे दीन को मुनहदिम कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों क्या है कि हमें इस बात की कोशिश करनी है कि नमाज को सीखना है, नमाज को पढ़ना है। हर मुसलमान से नमाज का मुतालबा। और रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, इंतहाई अजीम महीना, इंतहाई जो है अजीमुल क़द्र महीना, ऐसा महीना जिसमें अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला जहन्नम की आग से अल्लाह ताला खलासी का फैसला करते हैं। कुरान पाक के नुज़ूल का महीना है। ये मजमा जितना आया हुआ है ये सब ये नियत करके जाए कि हम इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी नमाज का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज खुद भी पढ़ेंगे और अपने घर